देश के आगे किसी का जोर नहीं चलता। माँ जी, मेरे मामा को बुलवा दो, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, वरना वो सोनिया बीबी मुझे मार डालेगी। मैं तेरे मामा को बुलवा दूंगी, अब सोनिया बीबी तुझे कुछ नहीं कहेगी, तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा मेरी बच्ची। पर मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे वहां कैसे नींद आएगी? तू ऐसा कर, आज रात वहां सो जा, कल मैं तेरा बिस्तर यहाँ मंगवा लूंगी। माँ जी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, आपने दवाई की, जाओ जेनु पानी लेके आओ। जाओ, सुना नहीं तुमने? ये तेरी नौकरानी नहीं है न्याज, तेरी बीवी को चाहिए तो कि मेरी खिदमत करती, मगर उसे तो राज करने से ही फुर्सत नहीं है। माई, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो अपनी माँ की वजह से परेशान थी, वरना तू अपनी माँ की वजह से परेशान नहीं है, तू इसकी माँ की वजह से भी परेशान नहीं है। तू तो खुश होगा कि तेरे सारे गुनाह, तेरे राज जमीन में दफन हो गए। न्याज, अल्लाह बड़ा है, वो इंसाफ करने वाला है, तेरे सारे राज मेरे सीने पे लिखे हुए, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद भी तुम लोग चैन की नींद नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मैं आपका बेटा हूँ। तू मेरा अकेला बेटा नहीं है, मेरे और भी औलाद हैं, मैं उनका हक मारने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ तेरे बाप को मारने में किसका और किन लोगों का हाथ है, समझे तुम? और बात सुन, जीनू का मामू सुबह तक यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है बात, जैसा आप कहती है वैसा ही। यार, आईजी का मशवरा है कि इंक्वायरी खुफिया तरीके से होनी चाहिए। अच्छा। और जो भी अफसर वहां भेजा जाए वो अपनी शनाख्त को जाहिर ना करे। तो फिर वो किस हैसियत से जाएगा वहां पर? छोटी जगह पे तो बाहर से आया हुआ आदमी एकदम पहचाना जाएगा। ये वो खुद तय कर लेंगे और इस सिलसिले में लाया अमल भी खुद बना लेंगे। यही बात है या मुझे बताना नहीं चाह रहे? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें भी एक दो दिन में बता दूंगा। अच्छा ठीक। जी हाँ, मिलवाएं। माँ जी, ये दवाई ले लीजिए, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। न्याज का है? अभी नहीं आए वो। और जैनो? वो काम कर रही है। क्यों, बेगमा को क्यों पाल रही हो तुम? जैनो को बिठा के तो नहीं खिलाऊंगी ना मैं, और ये सारा काम अकेली बेगमा के बस का तो नहीं है। उसकी माँ की तरह उस मासूम बच्ची का भी खून निचोड़ लेना चाहती हो? ये कैसी बातें कर रही हैं आप, उसे मैंने तो नहीं मारा ना। बस, जो तुम उसके साथ कर चुकी थी उसके बाद जीना उसके बस की बात नहीं थी। आप बिला वजह के इल्जाम मत लगाया करें मुझ पर, अगर मैं खामोश रहती हूँ तो। क्या कर लोगे? खामोश रहना तो तुम्हें नहीं आता, जबान चलाओगी ना? बस जाओ, जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। जब मैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ तो मुझे उस मासूम औरत की अज़ियतें याद आती हैं। जाओ, चली जाओ, ज़ैनू को भेजो मेरे पास, समझी तुम? आप माँ जी को जाके ले आइएगा, आज सुबह से फोन करी या सोनिया उठाती है या बेगमा और कहती है कि सो रही है माँ जी, जरा जाके पता तो करें उनकी तबीयत कैसी है, बस वो दवाइयाँ देके सुलाया होगा उन्हें। नहीं, मैं खुद भी परेशान हूँ माँ जी की तरफ से, लेकिन मैं ये इंक्वायरी वाला मामला बीच में छोड़ के जाना नहीं चाहता। डैडी, क्या हुआ, एहसान अंकल कर रहे हैं कुछ? बेटा, कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश क्या, वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। देखो, ये मामला ऐसा नहीं है कि इसमें बगैर सोचे समझे हाथ डाल दिए। एहसान इस वक्त जिस पोस्ट पर है
वो खासे सेंसिटिव और मामला नाजुक हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एहसान कोई ऐसा काम करे कि उसकी रेपुटेशन पे असर पड़े। पता नहीं मीरा और जैनू किस हाल में होंगे, अब तो उनके सर पे कोई कमाने वाला भी नहीं है। हाँ, उनके साथ खासी ज्यादती हुई है। डैडी, उनका अगर कोई बंदोबस्त हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। मगर वो वहाँ हो तब है ना? नहीं, वहाँ जाकर मालूम करेंगे तो पता चल ही जाएगा। कब जा रहे हैं आप? मैं देखो, आज तो एहसान के साथ मेरी मीटिंग है, उसके बाद शायद शाम को निकल जाऊँ। बेटा तुम तैयार है? ठीक है डैडी। सोनिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ जी से बहस मत किया कर। मैंने कब की थी बहस? होश में आते शिकायतें लगाना शुरू कर दी उन्होंने। फिजूल बातें मत करो। मैं नहीं चाहता कि मामला यहाँ तक पहुँच कर बिगड़ जाए। वैसे भी इज्जत खत्म होते ही वो फयाज भाई के घर चली जाएगी और फिर वो जैनू को भी साथ लेकर जाएगी। और फिर पता है क्या होगा? यूं भी माँ जी को संभालना मुश्किल हो गया है हमारे लिए। उन्हें मैं संभाल लूंगी। फिलहाल आप कह दें कि भाई फयाज और भाभी वगैरह सब लंदन गए हुए हैं। अगर वो खुद यहाँ पर आ गए तो? जब आएंगे तब देखा जाएगा। एक तो मैं तुम्हारी फजूल बहस से तंग आ चुका हूं। क्या बात है, वो क्यों बुलाया था तूने मुझे? पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है, इज्जत भी माँ जी की खत्म होने वाली है। और वो तो क्या कर लेगी वो? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। वो कुछ भी कर सकती है। कल जो उन्होंने कहा है ना, वो सुन के तो न्यास की भी हवाइयां उड़ गई हैं। मुझे लग रहा है ये जरूर जैनू की बच्ची ने कोई काम दिखाया। तो इसका मतलब है तो वो खतरनाक हो गई है। नींद की गोलियों से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा हमें। सोच लो भाई, इस मामले में न्यास हमारा साथ नहीं देगा। देखा जाएगा। चलिए, इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, किसी और प्यारे की नहीं। तू बात सुन मेरी। जैनू बेटा, यहाँ बैठ मेरे पास। नहीं नहीं, यहाँ बैठ मेरे पास, यहाँ बैठ, यहाँ। शाबाश बेटा, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देकर मैं तेरे माँ बाप का कसाख उतार सकूं। एक मिनट बेटा, ये देख, ये जेवर है और ये कुछ रकम है, इसे तू अपने पास रख ले। नहीं माँ जी। काम आएगा। नहीं बेटा, हो सके तो इन लोगों को माफ कर देना। ले मेरा बेटा। नहीं नहीं। और मुझे भी माफ कर। नहीं माँ जी। बेटा बात सुन। माँ जी बात सुन, इसे तकिए के नीचे छुपा ले और सुबह कहीं और छुपा लेना, कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। चल मेरे माँ जी, रख ले, काम आएगा तेरे। शाबाश, रख ले, काम आएगा तेरे। और हाँ, लाइट बुझा दे। जैनू बेटा, जाग रही है बेटा? सो जा बेटा, सो जा, सो जा, सो जा, अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मा, अम्मा।
मुझे भी पानी पिलाना। अम्मा तुम जाग रही हो? जाने क्यों, नींद नहीं आ रही है, बार बार हल्ला खुश्क हो रहा है। हशु तो सो रहा है ना? हाँ शायद सो गया है। अम्मा मैं भी सो गई थी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे हशु के चीखने की आवाजें आ रही हैं। बस मैं जाग गई। मुझे भी उसी का डर लगा रहता है।
पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो लोग मुझे भी पकड़ लेंगे और इन्हें भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवेरा कब होगा? सवेरा सवेरा पुत्र पता नहीं कब होगा। खुदा करे सवेरा कभी ना हो। वो तो कोई जुर्म करके भाग गया जो डरती है। ओए बेवकूफी की बातें ना किया कर का दे। देख अपने और गैर का एहसास कर लिया कर थोड़ा सा। बाबा जो गैर होते हैं ना उन पे भरोसा नहीं करता आदमी, वो भी इतनी रात को। क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? बयाल भाई उसे वह रुपया सब लेकर भाग गई है और मां जी को उसने। अच्छा मैं आ रहा हूं। क्या हुआ फयाज? माँ जी को भी कत्ल कर दिया। क्या? तुझे सर्दी तो नहीं लग रही? बाबा और तेज चलाओ ना। वो ये बैल गाड़ी है, रेल गाड़ी नहीं है कि हाँ तेज चलाओ। बाबा वो ये हमारे साथ बैठ तो गई है मगर भरोसा नहीं करती। नहीं बाबा तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो, गैर लगते तो भरोसा करती तुम दोनों पर। ओ मेरी दी तूने हमें अपना कहा है ना, तो इंशाल्लाह तुझे अपना बन के भी दिखाएंगे। हाँ तुझे क्या दुख है
इतनी छोटी सी उम्र में तू इतना टूट कर रोई है पुत्र। ओ पुत्र मुझे बता ना, वो बताती क्यों नहीं है? देख पुत्र मुझे बता दे, मैं तेरा दुख दूर नहीं कर सका ना, तो कम से कम तेरा जी तो हल्का हो जाएगा ना पुत्र। चल बता बेटा। बाबा, उन्होंने मेरे बाबा पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे मार डाला, फिर मां बेटी को बेली में कैद कर दिया, फिर मेरी माँ उसे मार डाला। किसने? वो किसने मार दिया? वो न्याज और सोनिया ने, हमारे गांव के जमींदार ने। पर बाबा, मेरा बाबा कातिल नहीं था, वो तो बड़े मियाँ जी को बाप समझता था। पर वो देख पुत्र, इन हालात में तेरा मामे के घर जाना ठीक नहीं है। पुत्र वो सबसे पहले तुझे मामे के घर ही ढूंढेंगे ना। तू अगर वहां गई और उनको पता चल गया ना बेटा, तो तेरे मामे को भी वो। मेरा तो और कोई भी नहीं है। कैसी है तू? वो कभी हमें अपना कहती है और गैरों की सी बातें करती है। ऐसा कर पुत्र, तू मेरे घर चल। मगर बाबा। ओहो, बाबा भी कहती है और फिर इनकार भी करती है। ए, ए, सीधा। बाबा, वो जीप है। उसके नीचे बैठ जा, वो जल्दी कर, छुप जा उसके नीचे, जल्दी कर। रास्ते में कोई लड़की तो नहीं देखी? लड़की? ओ नहीं जी, इस वक्त कौन लड़की होगी जी रास्ते में चौधरी जी? वो पीले रंग की फूलदार चादर पहने हुए हमारे गांव से कत्ल करके भागी है वो। नहीं बाबा, तुमने तो नहीं देखा उसे रास्ते में। ओए कदरे, देख इसमें। चौधरी जी नहीं है। थी तो एक औरत, पिछले गांव से रास्ता जो सैदपुर को जाता है ना जी, वहां देखी थी। लड़की तो नजर नहीं आई, वो मेरा मतलब है चेहरा वेरा नहीं देखा मैंने, लेकिन चादर पीले रंग की थी और उस पे फूल भी बने थे जी। हाँ बहुत अच्छे। ओए उस तरफ तो पुलिस भी गई है, अब तक तो पकड़ ली गई होगी। चलो ए। चल पुत्र आ जा, चले गए वो। उठ जा उठ जा। है तो नहीं। अम्मा तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? अरे मुझे क्या पता था कि वो यूं रात को निकल जाए। देख हाशिम, उसने मां जी को नहीं मारा, ये लोग उस पर इल्जाम धरते हैं, झूठ बोलते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ढील क्यों देता है, इनको सजा क्यों नहीं देता? बस फिकर, सारी रात हो गई रोते हुए। खुदा जालिमों को ऐसे तो नहीं छोड़ देता ना, सजा देगा, जरूर देगा सजा। तो चुप हो जा। मैं कैसे चुप करता हूँ? भरा घर देखा था मैंने मीरा का, कैसे जालिमों ने उजाड़ दिया उस घर को। और उस मासूम बच्ची का चेहरा जब मेरी आंखों के आगे आता है तो मेरा दिल डूब जाता है। हाय मीरा, मैं मीरा मुझे माफ करना, मैं तेरे से बड़ों से कहा करता नहीं। रुक जा, इसको रोक रेशमा, ये उधर में जा।
पुत्र देनू, ये हमारा गांव है। और सुन पुत्र, मैं यहाँ लोगों से ये कहूंगा कि तू मेरी भांजी है। मेरी एक बहन फोत हो गई थी ना, बस यही कहूंगा कि उसकी धी है, समझे ना। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम पुत्र, की हाल है? ठीक है। क्या हाल है? क्या हाल है रहीम भाई? ठीक है मामदीना, अल्लाह का करम है। ये तू किसे ले आया? ओ ये मेरी भांजी है, वो मेरी एक बहन फोत हो गई थी ना। अच्छा, तुझे याद है ना? ये उसी की दी है। अच्छा अच्छा, वो क्यों भरजाई नहीं है क्या? वो बेटी से मिलने गई है। अच्छा, तो तू कल है? ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। पकड़ना जरा मुझे। है जी, डर नहीं। तू खड़े खड़े भी सोती है क्या? देख, वो इतना रोना अच्छा नहीं होता। जो तकदीर में था वो हो गया, मगर ओ तू मंजी डाल, वो थक गई होगी बेचारी। बेटा पुत्र आज चल, शाबाश बैठ जा, थक गई होगी बेटा। शाबाश पुत्र बैठ जा। तुझे डर लग रहा है क्या? ओ मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। देख देख पुत्र, तूने मुझे बाबा कहा है ना? कहा है कि नहीं कहा है? बस तो फिर मैं तेरा बाबा ही तो हूं ना बेटा। हाँ बाबा, सच तू मेरा बाबा है, पर मैं अपने माँ बाप का बदला जरूर लूंगी। तू मुझे ना रोकना, मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं उस सोनी और चौधरी न्यास को फांसी ना दिलवा दूं। बाबा ये तो हलाकू खान लगती है। चुप। हाँ हूँ हलाकू खान, तुझे क्या है? बाबा चंगी पली नहर आई थी रस्ते में, जान छुड़ा लेते इससे, वो अभी हमारी जान को आएगी। और मैं तुझे कहता हूँ कि इसके मामे के पास छोड़ दे। ओ तू इतना बोलता क्यों है? इसे और कुछ आता जो नहीं है। यार खाने का बंदोबस्त कर, बहुत सख्त भूख लग रही है, पेट में अंतड़ियां बोल रही है। ये बक बक के अलावा कोई काम भी कर लिया कर तू, चल जा। क्या भाई धोले, खाना खाएंगे। ये रख दे, ये रख दे, ये रख दे। आ जा बेटा, चल शाबाश। पानी ले, मुंह हाथ धो ले। कौन? देखिए मैं शहर से आया हूँ, मेरा नाम सरफराज है। चौधरी फैयाद मेरे वालिद हैं, चौधरी न्याज के बड़े भाई। मैं जैनू और मीरा के बारे में पता करना चाहता हूँ, कहाँ है वो लोग? मुझे कुछ मालूम नहीं है। देखिए मेरे पास नहीं है, मुझे पता है चाचा गुलाम हुसैन के घर वालों पर और खुद उस पर बहुत जुल्म हुआ है। हमें इसीलिए आपसे मालूम चाहिए ताकि हम मीरा को और जैनू को बचा सके, प्लीज। अच्छा चौधरी फैयाद, मैं जैनू और मीरा के बारे में देखो भाई, हमारा नाम मत लेना वरना ये जमीन हम पर भी तंग हो जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बस उस मासूम बच्ची को बचा लो। बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। अगर आप जैनू को रोक लेती तो बहुत ही अच्छा होता, हम उसे अपने साथ ले जाते। मुझे क्या पता था कि तुम आ जाओगे, मैं तो उसे पनाह भी नहीं दे सकी।
शायद मैं उसे रोकती तो वो रुक भी जाते, लेकिन मैंने जिद्दी नहीं की। सच्ची बात है, आपको तो पता ही है कि बेटा और बेटी पैर की जंजीर होते हैं, अपनी मर्जी से वो कदम भी नहीं रख सकते। मैं तो अपनी बेबसी पर रोती रही हूँ। खुदा सब बेहतर करेगा, आप बस दुआ करें। ठीक, खुदा हाफिज। न्यास को भेजो और देखो उसके साथ और कोई ना आए। जी रे। दरवाजा बंद करो। भाई साहब, क्या बात है? मैं अम्मा को ऐसे दफन होने नहीं दूंगा। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें तो हमने दफना दिया है। मैं उनका पोस्टमार्टम करवाऊंगा। पोस्टमार्टम? ये क्या कह रहे हैं आप? आप शक कर रहे हैं मुझ पर? मैं अपनी मां को मारूंगा? मैं होश में नहीं है। आप होश में तो अब आया हूं। इस घर में मेरे बाप को कत्ल किया गया, गुलाम हुसैन पर इल्जाम लगा लगा कर उसे मार दिया गया, और जैनू की मां को अजियतें देकर मारा गया, और अब मेरी मां? आप इल्जाम लगा रहे मुझ पर? बकवास बंद करो। मैं शहर में जरूर रहता हूं, लेकिन मेरा खमीर भी इसी मिट्टी से बना है, और इसी मिट्टी में जो साजिशें होती हैं उन सब का मुझे पता है। मुझे बू आती है उनसे। अम्मा को मैं ऐसे दफनाने नहीं दूंगा। ये उनकी बेहुर्मती होगी, और मैं ये सोच भी नहीं सकता था। और अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मजीद तमाशा नहीं बनने दूंगा मैं इस खानदान को, समझे आप? न्यास, मुझे ऊंचा बोलने पर मजबूर ना करें आप। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि इस घर में सारे के सारे कामों में अमल दखल जब्बार का नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बरसों से मैं इतनी बड़ी जमींदारी संभाल रहा हूं, मैं कोई बच्चा हूं कि उसके हाथों में खेलूंगा? लग तो यही रहा। जब्बार मेरा साला है, सोनिया का भाई है। अगर वो मेरे साथ यहां पर काम कर रहे हैं तो आपको क्या एतराज है उस पर? ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कि कौन किसकी मदद कर रहा है। ठीक है। और मेरा इंतजार नहीं करना। मेरी बात तो सुन, कहां जा रहा है? वे जान से मार दूंगा मैं। किसको? जीनो को। और किसको ना? अब क्या किया है उसने? वे चौधरी नियाज की मां जी को मार के ना तो रुपा पैसा लेके गांव से भाग गई है वो। क्या? तुझे कैसे पता चला? हाँ, मुझे कैसे पता चला? ना तो जाएगी कहाँ वो? करीमे, ऐसा नहीं हो सकता। ओए मीता, मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं हो सकता जो हो चुका है। और तू हट आगे से, खड़ी हो जाती है। पागल हो गए ये सब। मैं कत्ल करूंगा? मैं अपनी मां को मैं कैसे कत्ल कर सकता हूं? ये क्या हुआ भाई? ये फयाज भाई कह रहे हैं माँ जी की लाश निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाना है। पोस्टमार्टम? भाई जी, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी बेइज्जती है भाई जी, और माँ जी की भी। फिर वो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा जबार की, ये क्या हो रहा है? भाई जी, आप तसल्ली रखें, मैं करता हूँ कुछ। मैं देखता हूँ भाई जी, आप आप
आप एहसान अंकल से बात करें। हाँ हाँ बेटा, मैंने फोन किया था लेकिन वो इस्लामाबाद गए हुए। अच्छा बताओ डैडी कहाँ है? वो घर पे है मम्मा। मम्मा मेरी बात सुने, आप किसी भी सूरत से एहसान अंकल को तलाश करें और सारी बात उन्हें बताएं। मुझे बताओ हो क्या रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई और तुम लोग वापस कब आ रहे हो? मम्मा डैडी कहते हैं वो दादी अम्मा को पोस्टमार्टम जरूर करवाएंगे। अब नहीं 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 नहीं, उन्हें समझाओ, अब तो मुनासिब नहीं है और न्याज ये कभी भी नहीं करने देगा। वो नहीं मानते मम्मा। वैसे हो सकता है हम लोग शायद कल या परसों तक आ जाएं। फूफो भी हमारे साथ ही आएंगी। खैर चलो ठीक है, लेकिन बेटा कोशिश करना कि कोई मसला खड़ा ना हो। आखिर फयाज हैं तो न्याज के भाई ना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप बस एक काम करें, आप एहसान अंकल को तलाश करें और सारी बात उन्हें बताने की कोशिश करें, ठीक है? चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। सुफियान जी, एक मिनट होल्ड करें जी। हाँ भाई, रोज नामचा तो पढ़ना चाहिए था ना तुम्हें। सर आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, और जब जेबें भरते हो उस वक्त तो तुम मेरा इंतजार नहीं करते? आज रोज नामचा पढ़ना था तो मेरा इंतजार कर रहे थे तुम लोग। एफआईआर का क्या हुआ? सर कट गई है। कट गई है जी? आपको बहुत जल्दी है ना, कोई यहां कत्ल तो नहीं हो रहा ना कोई? बेकार नहीं बैठे हुए हम लोग? बोलिए। जब आ रहा था जी सर, वो ये दे गया था। एक तो तुम लोग आते ही मेरा दिमाग खराब करते। बताना चाहिए था ना कि एफआईआर कट गई, और ये हेडमर बता के क्यों नहीं जाता? सर आपको बता के गया था। अच्छा तुम जाओ मेरे लिए चाय भिजवाओ, और सुनो इधर किसी को आने मत देना, मैं कुछ देर आराम करूंगा। मैं कह रहा हूं बकवास बंद करें आप, थाना आराम के लिए नहीं होता, मुझे इस सूरत में मिलना। आप थोड़ा इंतजार कर ले प्लीज। जी सर। सर ये जॉय साहब आप?